हेलो स्टूडेंट्स, मैं सद्दाम हुसैन आप सबका मस्त क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको अर्थशास्त्र का, है ना, ये जो कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही आता है, एक चैप्टर एक्सरसाइज अर्थशास्त्र कहलाता है, उसका परियोजना यानी उसका प्रैक्टिकल बनाने की इस वीडियो में चर्चा करूँगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे पहली बार चैनल्स मस्त क्लासेस पे आए हैं तो चैनल्स को, जो लाल वाला चैनल्स के नीचे बटन होता है उसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बगल वाला जो बेल आइकन होता है उसे क्लिक कर लें, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि जो सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिकल का कॉपी है उसमें अर्थशास्त्र का परियोजना कैसे बनाता है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को इतिहास का बताया था, इसमें अर्थशास्त्र बता देता हूँ, फिर अगले वीडियोस में मैं आपको भूगोल और नागरिक शास्त्र का भी बता दूंगा, है ना। तो सबसे पहले आपके कॉपी में एक जगह परियोजना संख्या लिख लीजिएगा, उसमें अर्थशास्त्र हेडिंग डाल दीजिएगा, उसमें लिखिएगा अपने द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली इन वस्तुओं के विषय में वर्ग में चर्चा करें जो संपूर्ण विश्व में उपलब्ध है। पहला है, परियोजना का नाम है संपूर्ण विश्व में उपलब्ध वस्तुओं की चर्चा। ठीक है, परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो परियोजना का मुख्य उद्देश्य है संपूर्ण विश्व में उपलब्ध वस्तुओं से अवगत कराना। ठीक है ना, इसका मुख्य उद्देश्य है कि संपूर्ण विश्व में किस किस प्रकार के वस्तु हैं उससे आप सबों का अवगत कराना, उसको जानकारी देना। फिर है परियोजना का कार्यान्वयन, कुछ वस्तुएँ ऐसी होती है जो विश्व के विभिन्न देशों से समान ढंग से उपयोग में ना लाई जाती है, और वे वस्तुएँ वहाँ उपलब्ध होती है। इस तरह की वस्तुएं जो संपूर्ण विश्व में उपलब्ध है निम्नलिखित है, पहला रेडियो, ठीक है ना, पहला क्या है, रेडियो। रेडियो का इस्तेमाल विश्व के प्रत्येक देश के लोग करते हैं, अतः रेडियो एवं विश्व एक विश्व स्तरीय उपयोगी वस्तु, यहाँ पे एक होगा, एक विश्व स्तरीय उपयोगी वस्तु है। दूसरा देखिए, कंप्यूटर, आज के वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य हो गया है ना, सब कोई लगभग कर रहे हैं। विश्व के प्राय सभी देश कंप्यूटर विश्व में पाई जाने वाली एक सामान्य वस्तु है, कंप्यूटर हर देश में पाई जाने वाली एक सामान्य वस्तु है, हर देश में इसको मिलेगा। तीसरा है मोबाइल, मोबाइल का प्रयोग विश्व के अधिकतर देश के लोगों द्वारा किया जाता है, क्योंकि आधुनिक संचार का एक सस्ता एवं सशक्त संसाधन है, सबसे सस्ता और एक सशक्त संसाधन है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे अर्थशास्त्र के परियोजना में। फिर आगे आता है इसी में चौथा, टेलीफोन, पेज पलटने के बाद लिख लीजिएगा, अगर उधर ही आपको अटता है तो उधर लिख लीजिएगा। यह संचार साधन विश्व सभी देशों में लोकप्रिय है, यह भी टेलीफोन, अतः विश्व के सभी देशों में मिलता है, ये भी मिल जाता है सभी देशों में। आगे है टेलीविजन, आज टेलीविजन मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन है जिसका उपयोग विश्व के सभी देशों के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, टेलीविजन। अब उसके बाद आता है इंटरनेट, इंटरनेट का प्रयोग विश्व के प्रत्येक देश के अधिकांश संस्थानों, कारखानों, शिक्षण क्षेत्रों तथा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों में किया जाता है, इंटरनेट का, है ना, आजकल सारा काम इंटरनेट से ही हो रहा है। आगे देखिए, फोटो कैमरा, यह तस्वीर खींचने वाला यंत्र है जिसका उपयोग विश्व के अधिकांश देशों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, कपड़ा, आज कपड़ा मानव के लिए एक अति आवश्यक वस्तु है, अतः विभिन्न प्रकार के सूती तथा सिंथेटिक वस्त्रों का उपयोग पूरे विश्व में किया जाता है। ठीक है, आइए आगे बताता हूँ, पुस्तक, कागज, कलम एवं पेंसिल, वे वस्तुएँ हैं जिनका प्रयोग विश्व के सभी देशों में किया जाता है, मतलब ये वस्तुएं विश्व में प्रत्येक जगह आवश्यक है ना, ये सब की तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका हर क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका अर्थशास्त्र की परियोजना। तो अर्थशास्त्र का जो मैंने परियोजना आपके सोशल साइंस में लिखने का बताया, उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ना दोस्तों। आगे वीडियो में आपको राजनीति शास्त्र और भूगोल का भी मैं बता दूंगा। ठीक है, थैंक्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।